बहुत कम समय बचा है, कैसे जो है जीतेंगे 2024 का राउंड? यहाँ का रन तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। क्या इसका असर नहीं दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ न कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है, ठीक है। इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। राजू, आप लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है, यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है, अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा, बहुत कम समय मिल रहा है? देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं, ठीक है। घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। राहुल जी, भैया आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा, अमेठी से कैसा मान रहे हैं? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा।